आज की स्पीडो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिना विंडो 10 पार्ट किए हुए आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक जो रिपेयरिंग की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो। आज की स्पीडो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक रिपेयर जो ऑप्शन आपके सामने आता है, जिसमें आपका आता है शट डाउन या फिर आपका एडवांस ऑप्शन आता है, ये ओपन करते हो जब भी आप आपके पीसी को या फिर आप लैपटॉप को ओपन करते हो, तो ये ऑप्शन आपके सामने आता है कंपलसरी, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, सही कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है आप कोई दुकान पर जाके करा, इसको आप खुद कर सकते हो, एकदम फ्री कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो जानोगे आप इस वीडियो, चलिए देख लेते हैं इसमें होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले होता क्या है, ये कारण आता क्यों है, तो क्या होता है कि कैसे सही होता है ये। तो जैसे कि आप या तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर होता है आपने ओपन कर रखे होते हैं और आप एकदम अपना पावर ऑफ कर देते हो, ठीक है, बिना शटडाउन किए, तो क्या होता है उस वजह से क्या होता है ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये सो होता है ऑटोमेटिक रिपेयर, या फिर आप विंडो को डायरेक्ट मतलब क्या करते हो और शटडाउन ना करके आप पावर ऑफ कर देते हो उस वजह से होता है, या फिर आपकी कोई भी फाइल जो सी ड्राइव में होती है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, उस वजह से होता है। या आप सी ड्राइव में क्या कर सकते हो, कोई भी जो फाइल होती है डिलीट कर देते हो, उस वजह से ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। ज़्यादातर जो होता है दोस्तों, या फिर आप कोई सा भी सही कोई सा भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, फ्री के चक्कर में कोई भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेते हो, उसमें कुछ कुछ ऐसी फाइलें होती है जो कि ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है, क्रैश कर देते हैं आपके सी ड्राइव में, उस वजह से भी होता है। और ज़्यादातर दोस्तों इसी वजह से होता है कि आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने क्रोम ओपन कर रखा हो या कोई सी एप्लीकेशन ओपन कर रखी हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा हो और एकदम से आपने पावर ऑफ कर दिया, शट डाउन ना करके पावर ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उस वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो वो कैसे सोल्व करेंगे वो बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में 100% है। आपका आपको कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका सिंपल है, अगर उससे नहीं होगा तो फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगा 100% वर्किंग तरीका, ठीक है। पहला तरीका में ये होगा दोस्तों कि जब भी आप इसमें ये दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ऑप्शन आएगा आपके सामने है ना, तो आपको क्या करना है एडवांस पर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक कर लोगे एक ऑप्शन क्या आएगा आपके सामने, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस यही प्रॉब्लम सामने फेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, आप यहाँ पे अगर जाओगे, देखो पहला ऑप्शन है, पहला तरीका है वो ये है कि आप ट्रिबल सूट पर अगर जाते हो, ठीक है, आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं, रीसेट द पीसी, ठीक है, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन, रीसेट द पीसी और एडवांस ऑप्शन। तो पहला जो तरीका है आप पहले ये करके देख लेना, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका ये जो ये है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको एडवांस पर क्लिक कर लेना है और स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करके जो ऑप्शन है स्टार्टअप रिपेयर, इस पर क्लिक करके देखना है और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर आएगा डायग्नोस्टिक पीसी, ठीक है, तो ये जो भी डिलीट फाइलें रहेगी उसको कवर कर लेगा, रिलोड करेगा वापस से, है ना, और आपके सामने वापस लाएगा। फिर आपके सामने आप ये ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट रिपेयर, ये बता देगा आपको कि आपकी फाइलें कौन सी डिलीट हुई है, कहाँ पे कुछ सी ड्राइव में है, किसमें है, कैसे क्या है, सब बता देगा आपको, ठीक है। तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है और वापस ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो आपको करना क्या है, वापस जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वापस से, तो ये एडवांस वाला, ठीक है, एडवांस वाले पर क्लिक करना है। एडवांस पर जब आप क्लिक करोगे, है ना, उसके बाद यहाँ पे ट्रिबल सूट पर आपको क्लिक कर लेना है। ट्रिबल सूट पर जब आप क्लिक करोगे इस ऑप्शन को, ठीक है, तो इसमें आपको आएगा रीसेट द पीसी, ठीक है, रीसेट द पीसी। इसमें होगा क्या, जो भी आपकी जो भी डेस्कटॉप पर जो फाइलें हैं वो कुछ नहीं जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी डेस्कटॉप पर जो फाइलें हैं या आपकी कोई भी डाउनलोड फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ भी सी ड्राइव में कहीं भी है फाइलें, कोई सी भी डिलीट नहीं होगी, कभी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, वो फाइलें आपकी रहेगी। बस थोड़ा सा होगा क्या, आप इसमें इसमें सिर्फ ये होगा जो आपके डेस्कटॉप पर कुछ कुछ जो ऐप है जो अलग से आपने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है एक आध, तो वो क्या है कि वो उसमें वो हट जाएंगे, ठीक है, बाकी वो जो आपने डाउनलोड करे तो वो आपकी फाइल में वापस सी ड्राइव में मिल जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप रीसेट द पीसी पर क्लिक करना है, दो ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कीप माय फाइल वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपकी जो भी फाइलें हैं वो रखी रहेगी, आपकी फाइलें नहीं गायब होगी, ठीक है, और सिर्फ होगा तो आपका जो एप्लीकेशन उन जो डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन है उनकी जो फाइल है वापस इंस्टॉलेशन है वो आपको वापस मिल जाएगा सी ड्राइव में, जहाँ पे आपने डाउनलोड करा था डाउनलोड वाले ऑप्शन में, बाकी आपके जो डेस्कटॉप पे से वो हट जाएगा, तो वापस आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ये प्रोसेस रहेगी आपकी परेशान होने की बस, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है कीप माय फाइल पर, कीप माय फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन आ जाएगा रीसेट दिस पीसी, रीसेट दिस पीसी पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा,
पे लिखा हुआ आएगा आपके सामने रिपेयरिंग दिस पीसी। अब ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, 10-15 मिनट ले लेगा 100% हो जाने के बाद। थोड़ा रुकना है आपको, थोड़ी देर रुकोगे आप तो आपकी जितनी भी फाइलें जो भी है, जो भी परेशानी है, जो भी सब सेटअप कर देगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी देर बाद ये 100% होने के बाद इंस्टॉलेशन विंडो का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, इसको भी 100% हो जान देना है। जब तक आप चाहो तो आपको कोई भी काम कर सकते हो। 10 मिनट से 15 मिनट कम से कम आपको लगेंगे, और इस बीच आपको आपका जो भी लैपटॉप है, पीसी है, आपको इसको बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। थोड़ी देर रुकना है, ये 100% हो जाने के बाद थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा समय देना है दोस्तों। ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, 100% वर्किंग है। अब उसके बाद ये आपका लैपटॉप को बंद भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सब सेट कर देगा, जो भी आपकी विंडो पे भी जो फाइलें हैं, जो डेस्कटॉप पे फाइलें हैं, ठीक है, वो सबको सेटअप कर देगा, और थोड़ी देर बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो भी विंडो पे जो भी एप्लीकेशन थी वो हटेगी थोड़ी सी, ठीक है, वो आप वापस इंस्टॉल कर लेना अंदर से जाके। और बाकी आप ये देख सकते हो, आप जो पूरा है ये पूरी वर्किंग ट्रिक है, ये देख सकते हो, इस तरह से आप इस परेशानी को सोल्व कर सकते हो। 100% तरीका है, और बढ़िया तरीका है दोस्तों, इसी तरह से आप करना, ठीक है। कभी भी क्या होता है, और कभी भी विंडो को एकदम पावर ऑफ नहीं करना, शट डाउन करके करना, ठीक है। और जो भी आपने ऐप खोल रखा, कुछ भी खोल रखा, उससे पूरा बेच जाए काटे, और उसके बाद आप ये काम करें दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों।